नमस्कार मित्रों, नमस्कार राजेश जी, एक बार जी पुनः हम अपने सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी इस अंक में। जी हाँ, आप थ्रू लिटरेरी लेंस पर हाँ अलग अलग कहानीकारों, उपन्यासकारों, कवियों, शायरों की रचनाओं पर राजेश जी के साथ, मेरे साथ चर्चाएं सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। तो आज हम जिस चीज को लाए हैं राजेश जी, मुझे लगता है इस कहानीकारा की कोई भी रचना की प्रथम बार हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, वैसे बहुत प्रसिद्ध हैं ये जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं जी, और एक दो तीन चार पीढ़ियों को वो अपने साहित्य से प्रभावित करती रही हैं। बिल्कुल, 1925 में जन्म हुआ पाकिस्तान में, और वहाँ के गुजरात से लेके वो यहाँ के गुजरात तक आई। मतलब उनका एक लेटेस्ट नॉवेल जो आया था जी, वो गुजरात से गुजरात तक जी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम इशारा कर रहे हैं कृष्णा सोक्ति की ओर। कृष्णा सोक्ति के नाम से भला कौन वाकिफ नहीं है, उनके बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ। जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, सिक्का बदल गया जी, पार्टीशन के जमाने की कहानी है वो जी। और ऐसी कई कहानियाँ, एक कहानी है उनकी बादलों के घेरे, बहुत नाजुक सी कहानी है, किसी दिन जरूर उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आज उनका एक नाटक जी, आज उनका नाटक, और नाटक भी बड़ा चर्चित नाटक। बिल्कुल, और नाम है ए लड़की जी, ए लड़की। नाम में कितनी संबोधकता है आप देखिए, और कृष्णा सोक्ति के पास एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि है जी, वो मनोवैज्ञानिक तर्क वितर्क कहीं ना कहीं उनके साहित्य के भीतर हमें दिखाई देते हैं। वो संपूर्ण एक सांस्कृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक चेतना लेकर के उनकी बहुत सारी कहानियां और उपन्यास चलते हैं। किंतु यह जो नाटक है वो एक ऐसी स्त्री की मन की कहानी है, या उनके जहन में उस समय क्या क्या किस प्रकार से संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की भांति। बिल्कुल, जो अंतिम पड़ाव पर हैं अपनी जिंदगी के जी, बिल्कुल, और वृद्धा हैं जी, लगभग ऐसा लगता है सुनने से 70-75 साल की आयु उनकी रही होगी, जो मुख्य पात्र है इस नाटक की, अम्मा अम्मू कहा गया है उनकी बेटी द्वारा उनको, और अपनी बेटी को ए लड़की कहकर संबोधित करती हैं। अभी देखिए, ए लड़की में एक बात है जी, एक एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, एक प्यार ममता भी है, प्यार भी है, पर एक 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 दुराव भी है जी, है ना, दोनों बातें इसमें शामिल होती हैं जी, बिल्कुल। और उनकी अवस्था ऐसी है, कभी तो वो वर्तमान से जुड़ी हुई हैं, कभी वो भूतकाल से जुड़ी हुई हैं, कभी वो वास्तविकता से कटी हुई अपने विचारों में खोई हुई हैं, तो उनको समझ भी नहीं आता कि वास्तविकता और कल्पना के बीच का जो अंतर है वो समाप्त सा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति का जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, और एक अपनी ही दुनिया में एक पास्ट एक रील की तरह चलता है आंखों के सामने जी। और कहीं तो कहती है, भुतैले से दिन रात लगे रहते हैं, भुतैले से दिन रात छाए रहते हैं मेरे कमरे में, और उस प्रकार से उनको ऐसे दौरे पड़ते हैं हाँ। और वो जो उनकी बेटी है उन्हें शांत कराती है, उनको दवाई देती है, ताकि सेवा करती है, जिसको अगर हम मेडिकल के भाषा में बात करें तो ये एक सेनिलिटी के जो है जी, सेनेसेंस के पश्चात जो सेनिलिटी की तरफ बढ़ना है, जब सारी क्षमताएं क्षीण होके फेल होने लगती हैं, तब की ये कहानी है। पर वो उसकी मानसिक स्थिति, उस अवस्था की जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक तो है ही है, बीमारी है, ये है वो है, सुइयां से चुभती हैं, और कहती है मेरे शरीर को इस तरह से निकाल लो जिस तरह से कोई कपड़े निकाल फेंकता है जी, बिल्कुल, है ना, तो शारीरिक स्थिति का तो वर्णन है ही है उसमें। और धीरे धीरे नाटककार हमें नाटक के केंद्र बिंदु की तरफ ले जाती है हाँ। ये जो लड़की है उसकी जो बेटी है, और ये जो एक बेटी स्वतंत्र तरीके से विचार कर सकती है, अपने जीवन के निर्णय ले सकती है, एक तरफ ये नई पीढ़ी है और दूसरे तरफ ये अम्मा की पीढ़ी है। अम्मा की पीढ़ी उस जमाने की बात करती है जब स्त्रियां स्वतंत्र रूप से हाँ, कोई निर्णय अपने जीवन में न ही लिया करती थी, और पुरुष प्राथमिकता की जो बात है अम्मा उसको स्वीकार करती है, वो बोलती है पुरुष की जगह ऊपर है, नीचे नहीं जी, बिल्कुल। और वो बोलती है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने शादी की, बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, एक सब कुछ किया, आज मेरे पास बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नातिन है, नातू है, सब है, यानी मेरे पास क्या क्या नहीं है। और वो सब कहती है कि लड़की तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या, तू तो अकेली है, ना आगे ना पीछे, कोई कुछ नहीं है।
क्योंकि उसने शायद शादी नहीं की है, पता चलता है उस लड़की या नहीं करना चाहती है, तो एक तरफ वो अपने आप को ढांढस बंधा रही है, या जैसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं कि जो मैंने जीवन में किया ठीक किया, सब कुछ मिला मुझे, पति मिला, घर मिला, परिवार मिला, बच्चे मिले, क्या चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे मन की परतें खुलती चली जाती हैं। कहीं ना कहीं जो असर्टिवनेस नहीं रहा उनमें, कहीं ना कहीं जो आज की पीढ़ी में है, वो कहीं ना कहीं उससे कहीं तो उसकी चाह करती है, कहीं तो वो कचोटता है, वो कहती है मैं अगले जन्म में लड़का बन के देखना चाहती हूँ कि किस तरह एक चलायमान सैनिक अपने परिवार पे छाया रहता है। कहीं ना कहीं एक एनवी है। और वो कहती है कि लड़की तू कम से कम ठीक है, तू अगर शादी नहीं भी करती तो ये तेरा निर्णय है, ये तेरा निर्णय है, तो यहाँ तू अपना आप है। यहाँ कृष्णा सूक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित करती है, क्या परंपराओं को स्वीकार करते हुए, पति घर के परिवार की सेवा करते हुए, क्या स्त्री अपने जीवन को सफल जीवन मानती है, या ये कहा जाए कि ये तो एक पैरासाइट जैसी बात हो गई कि ये अपना खुद के सम खुद कुछ नहीं कर पाती है, जैसे उसको चलाया जाए वैसे चल पड़ती है, और ये जो लड़की है आज की पीढ़ी की, वो अपना निर्णय स्वयं करती है, चाहे शादी करनी है नहीं करनी है, क्या करना है, तो ये जो स्वतंत्रता आज की लड़कियों को प्राप्त है, कहीं ना कहीं कृष्णा सोपती का ये कहना चाहती है कि ये ठीक है, ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लिया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाता, सारी ओपन एंडेड चीजें हैं। शुरुआत में ही, शुरुआती पंक्ति जो है इसकी, विनोद जी, वही इसको कहीं ना कहीं ये जो तनाव है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, अंतर्द्वंद्व है, इसको प्रतिबिंबित करती है। शुरू में कहती है लड़की तूने घर में अंधेरा क्यों कर रखा है, बोलती है नहीं अम्मू सारे बत्तियां जल रही हैं घर की, तो अच्छा मैं ही कहीं उजाले को अंधेरा समझ बैठी हूँ, मैं ही उजाले को अंधेरा समझ बैठी हूँ। तो ये जो वाक्य है ये बहुत ही सोचने पर मजबूर करता है कि उजाला क्या और अंधेरा क्या, क्या उजाले को कोई अंधेरा समझता है या अंधेरे को उजाला समझता है, इसका रिवर्स में भी हमको समझा जा सकता है कि उनके जीवन में अब अगर सोचे तो अंधेरा था अब उसको उजाला समझ बैठी, या जिसको जो उजाला समझता है और अब जो उजाला है उसको अब अंधेरा समझ बैठी। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं मूल्यों का जो अंतर्द्वंद्व है नहीं तय कर पा रही है वो। देखिए बाकी बातों में भी यही प्रतिबिंबित होता है, वो हमको एज ए नॉर्मल बिहेवियर ऑफ ओल्ड एज लगता है, कभी वो मसूरी की जब यात्रा याद करती हैं, यानी शादी के पश्चात वो मसूरी गई थी तो उसमें खो जाती हैं, और ऐसे खो जाती हैं कि जैसे अभी हो रही है वो यात्रा। जी जी, द पास्ट रियलिटी एंड मर्ज टुगेदर, यस, द रियलिटी ऑफ द पास्ट एंड रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट दे आर मर्ज टुगेदर एंड शी इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू फॉर द टाइम बींग एटलीस्ट। और उसमें भी एक बात पता चलती है उस मसूरी यात्रा में भी, कि घुड़सवार रही है अपने जमाने में, और कहती है मैं घोड़े संभाल सकती हूँ तो सब कुछ संभाल सकती हूँ, कहने का बात है पति को भी संभाल सकती हूँ, ये बात उनके पति को बड़ी नागवार गुजरती है, जबकि उसके सास ससुर बड़े दे आर इंडलजेंट उसको ये करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पति और उनमें इस बात की वजह से तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उस जमाने में भी अपने आप को असर्ट करना चाहती थी पर फिर कर नहीं पाई। और इससे ये भी एक बात स्पष्ट होती है कि कृष्णा सोपती ने एक बहुत बड़ा जमाना देखा था। बिल्कुल, यानी वो 30-40 का जमाने से लेकर के 2010-15 का जमाना, 2019 में उनका देहांत हुआ। जी बिल्कुल, तो ये करीब करीब 85 साल की अवस्था में उनका देहावसान होता है, 95 साल में। तो ये जो जमाना बदला है, जो स्त्रियों के स्वतंत्रता का जो एक पैमाना बदला है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो वो बदलाव, वो ट्रांजिशन इमर्जेस इन द कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। बिल्कुल, और फिर वही मैं एक चीज कहा करता हूँ विनोद जी, जी, कि इफ यू लिव लॉन्ग इनफ, यस, इफ यू लिव लॉन्ग इनफ यू आर बाउंड टू हैव ऑल द पॉसिबल ओपिनियंस ऑन ऑल द पॉसिबल सब्जेक्ट्स। और वही कमाल है, वही वो कमाल है लेखिका का भी, और उसके जो पात्र हैं अम्मा वो भी देखिए कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो चाय एंजॉय करती हैं, बोलती हैं चाय, और फिर जब उनकी बेटी कहती है अच्छा एक और कप हो जाए मुंह, तो गुस्सा हो जाती है, मुझे मजाक उड़ा रही है मेरा जी। तो ये वही बात है कि इंसान एक लीनियर वे में नहीं चलता है, कोई भी इंसान हो, एक लॉजिकल फैशन में नहीं चल सकता है कोई भी इंसान हो। और यहाँ पर राजेश जी मैं एरिक एरिक्सन की बात करूंगा, जिन्होंने साइकोसोशल 8 स्टेजेस बताए हैं, और आखिरी का जो स्टेज है जी
जो इंसान यानी 60-65 साल के बाद वो होता है, अब वो अपने जीवन को रिव्यू करता है, ईगो इंटीग्रिटी और विजडम वाली विजडम वाली बात आ जाती है। तो यदि आप अपने जिंदगी पर एक दृष्टिपात करें पूरी पुरानी पूरे संपूर्ण जिंदगी पर, और आपको लगे कि आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसी तरीके से जिए, यानी यदि आपको संतोष लगता है अपने पास्ट के जीवन में, तो आपको एक विजडम प्राप्त होता है, आपको एक संतोष प्राप्त होता है, अन्यथा निराशा अन्यथा डिस्पेयर आ जाती है कि आप जैसा जीना चाहते थे, जो करना चाहते थे, जो संबंध रखना चाहते थे, जो व्यवसाय करना चाहते थे, वो अगर नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से एक निराशा सी होती है, अवसाद सा आ जाता है। तो बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे जो सीनियर सिटीजन हैं उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, दे बिकम इरिटेबल। व्हाई दे बिकम इरिटेबल? बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग राइट नाउ, बट स्टिल दे बिकम इरिटेबल बिकॉज व्हेन दे लुक बैक एट देयर लाइफ दे फील दैट दे कुड नॉट लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन ड्रीम्स, दे आर नॉट कंटेंटेड विद देयर पास्ट, राइट। तो यहाँ भी ये प्रतिबिंबित होता है। यहाँ जो चरित्र है अम्मा का वो पूरी तरह डिस्पेयर तो नहीं है जी, लेकिन काफी हद तक है, और विजडम भी है, एक तरह की विजडम भी वो देती हैं अपनी बेटी को, और लेकिन कहीं ना कहीं डिस्पेयर भी काफी हद तक झलकती है कि वो जो करना चाहती थी शायद अपने जमाने की वजह से, समय की वजह से, कुल मिला के वो घुड़सवारी नहीं कर पाई। सोचिए प्रतीकात्मक रूप में सोचिए इस चीज को। घोड़सवारी मुझे लगता है राजेश जी एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। जब आप घोड़सवारी करते हैं तो घोड़े को अपने कब्जे में करना पड़ता है, नियंत्रण में करना पड़ता है। तो वही प्रकार है कि जीवन भी एक घोड़ा है, हाँ। क्या उसकी आप घोड़सवारी कर पाए? ठीक कर पाए। तो ये इस तरह से वो शी इज इंचिंग टुवर्ड्स हर ग्रेव, धीरे धीरे अपनी कब्र की ओर जो जा रही हैं, और कभी कैसे फील होता है उन्हें, फिजिक शारीरिक रूप से भी कभी वो ठीक रहती हैं, कभी नहीं, मानसिक रूप से भी। तो ये एक वास्तविकता है जो है, जो हम सबको एक उम्र के साथ भुगतनी है। ये एक यूनिवर्सल रियलिटी की तरफ लेखिका ने इशारा किया है, और केवर केयर गिवर्स बर्डन की तरफ भी इशारा किया है। जी जी बिल्कुल। वो बेटी एक परेशान हो जाती है, तुम बहुत कड़ा इम्तिहान लेती हो, मुंह बड़ी झुंझला के कहती है वो। ये बहुत बार होता है कि यदि आपके माँ हो, पिताजी हो, दादा हो, दादी हो, और वो इस प्रकार से मानसिक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, यदि आपको उनकी केयर करना पड़े, उसकी शुश्रूषा जिसको कहते हैं वो करना पड़े, तो आप थोड़े समय के बाद बड़े परेशान से होते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी कुछ नहीं रहती उसके बाद। बिल्कुल। आपको 24 घंटे उनके पीछे लगा रहना पड़ता है, कभी दवाई देनी पड़ती है, कभी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, कभी सेवा करनी पड़ती है, कभी खाना खिलाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत एक बड़ा डिमांडिंग जॉब हो जाता है उस समय। और वो आगे भी सोचती हैं, जो अम्मा है वो कहती है मैंने तो कमरा घेर रखा है लोगों को, तो बूढ़े लोगों की तो दिल में भी जगह नहीं रहती है। जी जी बिल्कुल जी। तो ये हमारे गिरते हुए सामाजिक मूल्यों की ओर भी इशारा किया जा रहा है। मेरे बाद तू इसमें अपना संगीत बिछा लेना, वो कहती है, लेकिन बेटी कहती है नहीं, इस तरह की बातें मत करो। हाँ जी, एक बहुत बड़ी बात भी कहती है कि ये लड़की, ये जो मेरी साड़ियां हैं, मेरे कपड़े फेंक देना, पहनना नहीं, आंखों से ओझल कर देना। पर वो कहती है नहीं अम्मू, मैं तुम्हारे कपड़े किसी को नहीं दूंगी, मैं पहनूंगी। अब इसका भी आप प्रतीकात्मक सोचिए कि क्या कहना चाहती है वो, क्या कहना चाहती है, क्या अम्मा के संस्कार, क्या अम्मा की यादें, स्मृतियां उनकी, या अम्मा का जीवन एक पारिवारिक जीवन। ये अभी तक पारिवारिक नहीं है लड़की। जी जी। क्या वो पारिवारिक बनना चाहती है, वो पता नहीं क्या है। और एक और भी बात है कि आज की जो अपनी बेटी की स्वतंत्रता वो देखती है, नए पीढ़ी के पास जो उपलब्ध है, तब शायद उनको लगता है कि ये चीज उनके पास भी उपलब्ध होती, चाहे वो स्वतंत्रता थी, चाहे अधिकार थे। ये एक 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 एक, एक ये भी बात है कि कोई भी चीज हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो हमारे सामने अवतरित नहीं होती। बिल्कुल। जैसे 40, 50 और 60 के दशक में स्त्रियों को लगता ही नहीं था कि अधिक स्वतंत्रता चाहिए, उनको अधिक अधिकार चाहिए। जो धीरे धीरे वो चेतना का विकास धीरे धीरे हुआ, चेतना का विकास हुआ, जब विकास हो गया, जब अपने आप बेटी को देख पाती हैं कि वो नहीं शादी करती हैं, वो भी उनका निर्णय है, तब शायद उनको लगता है कि ये चेतना, ये स्वतंत्र, ये आजादी, ये विचार करने की क्षमता क्या उनके पास क्यों नहीं थी, होनी चाहिए थी। तो ये तो एक बड़ा पेचीदा सा मामला है, किंतु दो पीढ़ियों के गुफ्तगू द्वारा बहुत कुछ कृष्णा सोपती कह जाती हैं, और उनकी गहरी शैली है, बीच बीच में एक एक पंक्ति बहुत गहरे अर्थ अपने आप में छोड़ जाती है। जब वो सिंपल मेवा खाती हैं किचन से मंगा के, मेरे लिए मेवा लाओ, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, जाति रुत का मेवा है बेटी। जी जी जी।
तो ये एक एक पंक्ति में आपको बहुत गहरे अर्थ, क्योंकि आपको पता है कि गीतांजलि जी का जो रेत समाधि भी है, उनका उनकी जो शैली है गीतांजलि जी की, वो भी कृष्णा सोक्ति से प्रभावित है। हालांकि उन्होंने कहा है, इन्होंने गीतांजलि जी ने, कि ए लड़की मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं था जब उनसे पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अवचेतन में तो रहा ही होगा। बिल्कुल कृष्णा सोक्ति की शैली से तो प्रभावित है, उनके विचारों से तो प्रभावित है उनका लेखन, ये तो बिल्कुल है। और कृष्णा सोक्ति जैसी जो लेखिका है, उनका जो साहित्य है वो कई परतें हमारे सामने खोलता है। और यही एक ऊंचे साहित्यकार की पहचान होती है कि उनका हर वाक्य, हर पैराग्राफ, हर कहानी, हर रचना कई परतों पर एक साथ चल पड़ता है। और ये नाटक बड़ा मंचनीय है, बहुत कम सामग्री चाहिए। और जिन्होंने कई बार मंचन किया है, उन्होंने कहा केवल एक खटिया के सहारे हमने पूरा का पूरा नाटक मंचित कर डाला है। तो ये भी हमको नए जो नाटककार लिखने वाले हैं, उनको समझना चाहिए जब वो नाटक लिखते हैं कि इतनी सारी सामग्री बता देते हैं, इतना सारा उसमें साउंड एंड लाइट शो का प्रयोग करना पड़ता है कि करने वाले के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। लेकिन कृष्णा सोक्ति देखिए, बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल कोई साजो सामान नहीं चाहिए उस नाटक को करने के लिए। केवल तीन पात्र हैं, जी तीन पात्र हैं, अम्मा, उनकी बेटी और एक मेड सर्वेंट। इसके बावजूद भी मैं तो कहूंगा कि ये चुनौती भरा कार्य है। बिल्कुल, अम्मा बिल्कुल। की भूमिका में यदि कोई भी एक नायिका, कोई भी एक अभिनेत्री जो है उस भूमिका को निभा सके, बिल्कुल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, और किया है सर लोगों ने, बिल्कुल किया है। और देखिए, ऑल फीमेल नाटक है ये, ऑल मेल नाटक आपको मिल जाते हैं जी, वेटिंग फॉर गोडो देखें, हाँ, या फिर डोंगर माता राजाला मराठिया, जिस पर हमने बात भी कर चुके हैं यहाँ जी, बिल्कुल दोनों पर नावेल है, तो ये हाँ जी उस पर भी कर चुके हैं, लेकिन ऑल फीमेल नाटक कम मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें तीन ही पात्र हैं, अम्मा, बेटी और एक नौकरानी जी, और उनके पति की तरफ इशारा जरूर होता है, बेटे की तरफ भी इशारा है, भाई की तरफ, किंतु वो कहीं नाटक में दिखाई नहीं, नजर नहीं आते। तो ये भी अगर हम इस तरीके से देखें तो ये स्त्रीवादी चिंतन का नाटक भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पूरे पात्र स्त्रियों के हैं, हाँ? और स्त्रियों के मनोदशा दिखाई गई है, किस प्रकार से स्त्री स्वतंत्र की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, और उनके बीच की जो गुफ्तगु है वो सारी, यानी एक स्त्रीवादी चिंतन के दृष्टि से यदि देखें, उस विमर्श के दृष्टि से देखें, हाँ, तो निश्चित रूप से वो स्त्रीवादी चिंतन का ये नाटक कहा जा बिल्कुल सकता है। और एक मानवीय नाटक तो है ही है, बुढ़ापे को लेकर जो लिखा गया है वो तो है ही है। और इसमें और भी एक बात है कि वातावरण भी घरेलू है, घरेलू बिल्कुल पूरी तरह से, यहाँ कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई आर्थिक, किसी भी इसी घटना की तरफ इशारा नहीं होता है। बिल्कुल, साधारण सी घरेली जो है ना, होमली परिवेश है, होमली परिवेश है, तो बिल्कुल श्रवणीय नाटक है, विचारणीय नाटक है। और श्रोताओं, ये YouTube पर उपलब्ध भी है, बिल्कुल आप देखें, इस नाटक को पढ़ें, क्योंकि कृष्णा सोक्ति जैसे जो लेखक हैं वे हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत है, और ये विरासत आगे जाननी चाहिए आपको, और हमको इनको पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने संदर्भों को, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, और हमारे भारतीय जनमानस को ठीक से समझ पाए। और ये इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी, जो बड़ी दुर्लभ चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो राजेश जी, आपने कृष्णा सोक्ति के इस नाटक की चर्चा की अपने श्रोताओं के साथ, बहुत खूबसूरत बात हुई है आज, और हमें इंतजार रहेगा आपके विचारों का, आपके ओपिनियंस का। आप जरूर हमें बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लग रही है, क्या आपकी साहित्य में रुचि बढ़ रही है, आप पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आज हम आपसे इजाजत चाहेंगे यहाँ पर, और इस वादे के साथ कि पुनः एक बार किसी और रचना पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदाणी को और राजेश आसुदाणी रकीब को अनुमति दीजिए। नमस्कार नमस्कार।